नमस्ते, स्वागत है आपका होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके साथ कोई गार्डनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब की मिली हुई पहली इनकम जो मेरी यूट्यूब से हुई है। कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं, पर ठीक है, अच्छा लगा, पहली इनकम मिली है। तो ये सब आप लोगों की बदौलत है। प्लीज़ जब भी किसी वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कितना मिला है, नहीं बताती हूँ, पर ये बता देती हूँ कि जितने पैसे भी मिले, मेरी पूरी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई और इयररिंग भी आ गई थी एक, और पूरे कपड़े भी आ गए। तो आप हिसाब लगा दीजिए कितना मिला होगा मुझे। तो पहली इनकम है, जितना भी मिला बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आप लोगों की बदौलत है। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो मेरे चैनल पे इसी तरह के वीडियोज आते हहैं गार्डनिंग से रिलेटेड, या बालकनी मेकओवर, इस तरह के। गार्डनिंग में कोई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर करते 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 जितना आया है वो सब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जब भी पौधा लगाती हूँ, अचानक ही किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, पर धीरे 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 प्रैक्टिकली करते हुए जितना भी ज्ञान अर्जित हुआ है, जितना भी प्लांट के बारे में मैं जान पाई हूँ, वो सब आपको बताती हूँ। तो एक वीडियो है मेरे पहले वाले घर का था, तो उसका छत पे हमने जो क्यारियाँ बनाई थी चारों तरफ से, वो वीडियो बहुत पसंद किया लोगों ने। उसकी मैंने दोनों वीडियो बनाई थी, ये कैसे बनाया है ये सब, और पहले वाला भी काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। तो उससे ही चैनल थोड़ा बहुत जितना भी ग्रो हुआ है उसी से हुआ है। तो पर इतना ज़्यादा जितनी मैं मेहनत करती हूँ, इतने ज़्यादा ना तो लाइक आते हैं ना व्यू आते। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और करने का दिल करता है। आपका एक अच्छा कमेंट बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देता है हम में, मुझ में ही नहीं, किसी को भी जो भी कुछ काम आपको दिखाना चाहता है अपना। अगर आप एक अच्छा कमेंट करेंगे उससे काफ़ी राहत मिलती है, लगता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमारी मेहनत काम आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। गार्डनिंग मेरा एक पैसन है। मैं जितना भी खाली टाइम मुझे मिलता है मैं पूरा गार्डनिंग पे ही देती हूँ। शौक था मुझे प्लांट का पहले से ही, तब मैंने दो प्लांट गली में ठिली वाला जा रहा था वहाँ से खरीदे थे, मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते दो प्लांट खरीदे, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, इस तरह से बनते गए। और उसके बाद जो है, जब 50 के लगभग प्लांट हो गए, मैंने खरीदना बंद कर दिया। अब तो मैं कभी कभार ही प्लांट खरीदती हूँ और प्लांट में कटिंग से ही ज़्यादा बनाती हूँ। मैं 10 कटिंग लगाती हूँ, 10 में से 4 कटिंग तो चल ही जाती हैं। तो इसी तरह से मेरे प्लांट बढ़ते गए। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया है कि कौन सी कटिंग किस तरह से लगनी है। ये सब हमें करते करते ही मिलता है, जो भी हम नॉलेज अर्जित करते हैं ये धीरे धीरे करके ही होता। प्रैक्टिकली जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए, आपको गार्डनिंग स्टार्ट करनी है, तो स्टार्टिंग में आपको कौन से प्लांट लगाने चाहिए, आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू, जो भी विमेन हैं यहाँ पर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ करवा चौथ की।